अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नया व्लॉग है होंडा EF88 की रिगार्डिंग। गाड़ी आपने देखी थी पेंट हुई और उसके बाद निकली है, शाइन वगैरह उसकी चेक करें। आप देख सकते हैं गाड़ी को हमने छोड़ा हुआ है धूप में ड्राई आउट होने के लिए। होंडा EF88 आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा पेंट जॉब हो गया है। धूप में आपको ज़रा दिखाते हैं पीछे से अपनी, एक तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रही होती है वीडियो में। ये आप देखें जी, साइड पे प्रॉपरली इसका पेंट हो चुका है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ गए और शाइन में थोड़ा सा येलोपन इसका थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज नेक्स्ट डे है होंडा EF88 की रिगार्डिंग। माशाल्लाह से नई प्रोग्रेस के अंदर आप देख सकते हैं ट्रंक इसकी अटैच कर दी है। ट्रंक आपको दिखाऊँ तो ये है जी, ट्रंक हमारी लगी हुई ये देखें जी माशाल्लाह से। इसके अलावा इसके बम्पर्स, हैंडल, साइड मिरर्स, इस टाइप की चीज़ें जो ब्लैक होनी थी उसके लिए मैंने इनको कह दिए कि ताकि साथ साथ वो काम हो जाए। फिर इसके बाद इसके पिलर हमने ब्लैक करने, इसकी वेदर स्ट्रिप्स वगैरह जो थोड़ी सी ख़राब थी वो हमने करनी है चेंज। इस साइड से आप देख सकते हैं ये रही हमारी गाड़ी, माशाल्लाह से हुड लग गया है और आगे से आप सारी देख सकते हैं लुक माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरी होगी, ज़बरदस्त। हेडलाइट्स, पार्किंग लाइट्स वो हम साफ़ वगैरह करवाते हैं ताकि फिर फिटिंग की तरफ जब गाड़ी आए तो ये वाले सारे काम हमारे वाइंड अप हो चुके हैं। इंटीरियर की डिटेलिंग होगी, फर्दर काफ़ी काम है साथ साथ होते रहेंगे। इसके जो पिलर्स हैं ब्लैक पेंट करने थे वो हमने ब्लैक पेंट कर दिए हैं। बम्पर जो थे रिपेयरिंग के लिए दिए हुए थे, रिपेयर हो चुके थे और पेंट सेक्शन में आगे में उसके लिए भी अब हमने बोला बम्पर्स को हम वाइट करेंगे, मगर जो गोला है साइड मिरर, डोर्स के गोले और जो गोले वाली लाइन आपके बम्पर में चल रही होती है वो हम ब्लैक छोड़ देंगे, बाकी सारी वाइट पेंट में हो जाएगी। तो वो थोड़ी ये है कि बॉडी के साथ बैलेंस हो जाएगा, ब्लैक टोटली ब्लैक बम्पर में थोड़ी वो खाली सादी सादी सी लुक लगती है। तो बस अनकरीब इसकी भी फिटिंग स्टार्ट होनी है, इसको भी देंगे डिटेलिंग के लिए सारी साफ़ सुथरी हो। इंजन ऑयल चेंज होना है, इसकी भी हाइट एडजस्ट होनी है, शॉक्स इसके पीछे के ख़त्म हैं वो हमने चेंज करने, तो बस इंशाल्लाह अनकरीब ये भी ऑन रोड होगी। हैंडल इसके हम वाइट कर रहे हैं, ब्लैक नहीं करेंगे। फर्दर इंशाल्लाह अगले क्लिप्स में ऐड ऑन आपको नज़र आएंगे। अभी इसके हम रिम उतरवा रहे हैं, कैप्स हमने दे दी है ताकि अब सारे रिम्स पेंट हो जाएं, पेंट हो जाएंगे। ये तकरीबन हमारी सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हुई भी अब कंप्लीट होती जा रही है गाड़ी, बम्पर्स वगैरह भी पेंट हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें अब पेंट होने के बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं रिम की लुक कैसी आती है, प्रॉपर गाड़ी की ज़रा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, आज नेक्स्ट डे होंडा EF का आपको दिखाते हैं। सस्पेंशन हमने सारी पेंट करवाई है, ये देखें जी माशाल्लाह से पेंट होगी, डिस्क भी होगी ये साथ, मगर ये कि चलें वो पहले थोड़ा सा उसको क्लियर करवा लेंगे, चल के मज़ीद साफ़ सुथरी हो जाएगी। नट्स इसके वैसे एक दूसरे लगे हुए, एक दूसरा लगा हुआ है तो वो शायद हम चेंज कर लें, वैसे तो कब लग जाता है ऊपर छुप जाते हैं रिम दूसरे हैं आपको पता है। ये बैक का हो गया जी, ये फ्रंट साइड से सारी होगी माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया सारा काम। अब हम लगाते हैं इसके रिम, रिम लगाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं गाड़ी। होंडा के हमारे लगे हैं रिम माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं आप गाड़ी काफ़ी बेहतर लग रही है, कब भी लग गए हैं, काफ़ी चेंज आ गया है लुक में। अब सिल्वर, अब जाहिर है पॉलिश वगैरह हो जाएंगे इंशाल्लाह रिम, उसका कोई स्टिकर देखते हैं आता है इस टाइप का रिम देख के, उसका अगर कोई स्टिकर आता है अली से बनवा लेंगे। इसकी नंबर प्लेट्स बनवानी है, अब इसका भी साथ साथ काम स्टार्ट हो गया। मज़ीद डैम्पिंग शीट मैंने ऑर्डर कर दी है, जैसे हमने 88 करोला में अप्लाई की थी डोर्स के लिए और फ्लोर के लिए, वो हमारे काम आ जाएगी, वो करना है। फिर इसका सारा इंटीरियर खुलवाते हैं यानी सामान निकलवाते हैं, वो देते हैं हम डिटेलिंग के लिए सारा साफ़ सुथरा हो, ताकि बस अब फिटिंग्स स्टार्ट हो जाएँ। अभी इसका जो नेक्स्ट होना है वो इसकी सेंडिंग स्टार्ट करवाते हैं ताकि ये काम हमारा ख़त्म हो जाए, उसके बाद इंटीरियर की इंस्टॉलेशन, लाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। कलर से अभी जो है प्रोग्रेस जा रही है, इसकी सेंडिंग की जा रही है होंडा EF की, प्रॉपर इसको सेंड आउट करके सारे जो थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी इस सेंडिंग के दौरान निकल जाएंगे। फर्दर फिर इंशाल्लाह जाती है डेंटिंग सेक्शन में, सामान इसका स्टार्ट हो जाएगा जुड़ना। इसके अलावा बम्पर और जो छोटी चीज़ें थी वो रहती हैं पेंट होनी, प्राइमर अप्लाई कर दिया गया है, बस उसका वेट है वो भी हो जाए, तो बस साथ ही इसका स्टार्ट करते हैं। साउंड डैम्पिंग शीट इसके लिए ऑर्डर कर दी है चौधरी ऑटो स्टोर से,
अराउंड कोई 12,500 रुपये हमारा उसका बिल है, विच विथिंग गाड़ी माशाल्लाह से पॉलिश हो गई है। जो तो पहला स्टेप होता है कंपाउंड कटिंग का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है माशाल्लाह। इस वक्त आप देख सकते हैं गाड़ी सामने है और शाइन से पता चल रहा होगा कि पहला जो है कंपाउंड का स्टेप हमने कर लिया है माशाल्लाह से। बहुत प्यारा रिजल्ट है ये, देखिए आप बोनट पे उसकी रिफ्लेक्शन शाइन, बहुत ही प्यारा काम हो गया माशाल्लाह। अब आपको दिखाते हैं दूसरी साइड पे, ड्राइवर साइड से बैक एंड की तरफ इसका रूफ़, ये देखें जी ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। पीछे से ट्रंक वाली साइड आपको दिखाते हैं, ये देखें जी ज़बरदस्त शाइन है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा हो गया काम ज़बरदस्त। पैसेंजर वाली साइड भी देख लें, ये जी पैसेंजर साइड है, देखें जी होंडा EF के बम्पर्स माशाल्लाह से। इस पर प्राइमर अप्लाई कर दिए और इधर ड्राई आउट करने के लिए छोड़ दिए। इसके बाद फिर इंशाल्लाह पेंट होगा, पेंट हो जाए, छोटा सामान भी पेंट होना है तो फिर साथ मोहसिन भाई को हमने दे दिया इसका सामान इंटीरियर का वॉश करने के लिए। अभी ये ख़ुद धूप लगा रहे हैं, फिर सामान को धूप लगाएंगे। अभी हम आ गए हैं वॉशिंग एरिया में और वॉशिंग एरिया में आने के बाद आपको सामने ही सामान नज़र आ रहा हुआ मिट्टी से भरा हुआ। सीट्स यहाँ पे अभी लेके नहीं आए, होंडा EF88 का सामान सारा पड़ा हुआ है, सारी मोल्डिंग्स हैं तो ये सारी चीज़ें अभी प्रॉपर वॉश करेंगे। और जो हम इस पर डीजल वाला अप्लाई कर रहे हैं आजकल पुराने इंटीरियर्स पे, वो कर लेंगे, उससे ये थोड़ा तर हो जाएगा और छोटे छोटे जो स्पॉट्स से आए हुए इंटीरियर पे वो ज़रा मदम हो जाते हैं। तो वो करने के बाद फिर इंशाल्लाह फ़िटिंग स्टार्ट करते हैं, साउंड डैम्पिंग शीट आ जाए तो ये सारा फ़िटिंग वाला प्रोसीजर भी स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिखाते हैं थोड़ी बहुत फिटिंग्स जो स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये देखें माशाल्लाह से गाड़ी आपके सामने है। रिम्स हमारे पेंट हो गए थे वो आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। इस साइड से फिटिंग वगैरह थोड़ी सी स्टार्ट हो चुकी है, साइड मिरर हमारे पेंट होके लग गए हैं और ये मोल्डिंग्स भी हमने प्रॉपर पेंट कर दी हैं। पहले इस पर स्टीकर लगा हुआ था, अब ये कि ज़रा अच्छी खूबसूरत फिनिशिंग में हो गए। फिटिंग स्टार्ट है इस साइड का, आपको याद होगा दरवाज़ा डाला था इसलिए इसका क्वार्टर ग्लास उतरा हुआ था वो भी डाल दिया है, रबर वगैरह अब सारी चीज़ें अटैच की जा रही हैं। इस तरफ आते हैं मज़ीद आगे गाड़ी की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड मिरर हो गए, दोनों गोले लग गए हैं, शीशे वगैरह कंप्लीट हैं इस तरफ से। हैंडल्स अभी इसके इंशाल्लाह लगने हैं, ऊपर एंटीना है, छोटी छोटी चीज़ें अब बस ये है कि फ़िटिंग्स ही हैं आपके सामने, इंशाल्लाह फ़िट होते होते आपको नज़र आएगी प्रोग्रेस इसका और इंशाल्लाह एक अच्छी गाड़ी कंप्लीट होके नज़र आएगी। फर्दर इंशाल्लाह ऐड ऑन करते रहते हैं।